नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बेस्ट क्वालिटी स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं। जो स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा उसकी प्राइस होने के कारण आप उन शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं कर पाए हैं, तो ये काफ़ी सही टाइम है कि आप उन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लें। जैसे कि किसी अच्छे स्टॉक्स का प्राइस जब बढ़ जाता है तो हम उसको बाय नहीं कर पाते हैं। जैसे कि आज का हमारा जो पहला शेयर है वो है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस। आप देख सकते हैं इसका जो मार्केट कैपिटल है वो है 12,689 करोड़, और एक कंपनी का जो कर्ज है वो है ज़ीरो, यानी कि कंपनी कर्ज मुक्त कंपनी है। और इसका रिटर्न इक्विटी काफ़ी अच्छा है, इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है 44.0%, सेल ग्रोथ है 21.9%, और प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे 31% है। नेक्स्ट, अगर आप इसकी चार्ट को देखेंगे तो आप देख सकते हैं इसका जो चार्ट है वो यहाँ पे अप ट्रेंड में आपको दिखेगा, ये अप ट्रेंड में यहाँ पे है। तो आप इस शेयर जो भी शेयर अगर अप ट्रेंड में होती है तो हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट होता है कि उस शेयर में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो कैंडल है यहाँ से हाई बना के फिर ये नीचे की ओर गई है, और इसने हाई कितने का बनाया है 4,067 का। और इस समय आप इसका करंट प्राइस देखेंगे तो इस समय चल रहा है 2,598.65, यानी कि ये प्राइस काफ़ी गिरावट आ गई है शेयर में। तो अगर आप चाहें तो ये शेयर में अपना इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। इस प्राइस ये जो प्राइस है यहाँ पे 2,058 के आसपास जब प्राइस आएगी तो आप ये शेयर में अपना एक पोजीशन बना सकते हैं लॉन्ग की। इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए भी इस शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है डीमार्ट। डीमार्ट शेयर को तो आप जानते होंगे, जैसे कि आप इसका मार्केट कैपिटल देख सकते हैं तो उसका मार्केट कैपिटल है 2,97,182 करोड़ है, और कंपनी का कर्ज है 510 करोड़, यानी कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। इधर प्रमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, 75% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 9.45 है, ग्रोथ है यहाँ पे 25.5%। अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसके चार्ट को देख सकते हैं कि ये किस तरह अप ट्रेंड है, यानी कि कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है तभी कंपनी के शेयर्स अपसाइड हैं। नेक्स्ट, आप यहाँ के इस कंपनी के प्रॉन्स एंड कॉन्स देख सकते हैं, यानी कि पॉजिटिव पॉइंट उसके क्या हैं और नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। नेक्स्ट, अगर हम इसको अपने चार्ट पे देखें कि इसका प्राइस हाई क्या है और इस समय हमें ये शेयर कितने में मिल रहा है, जैसे कि आप ये कैंडल को यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है इसका हाई है 5,900, इसने इधर हाई मार के फिर ये नीचे की ओर आ रहा है। तो और अगर आप चाहें अभी समय इसका जो करंट प्राइस है वो है 4,996, यानी कि ये आपको यहाँ पे कम दाम में मिल रहा है। तो आप चाहें तो यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट एक छोटा इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं, या तो फिर जब प्राइस थोड़ी और नीचे आ जाए इस रेंज में, ये कैंडल के रेंज में जब आ जाए तब भी आप इस शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी कि जब प्राइस 3,544.80 के आसपास आए तब आप अपने शेयर में इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। जैसे जैसे शेयर्स के प्राइस नीचे आते जा रहे वैसे वैसे आप इन सारे क्वालिटी शेयर में अपना इन्वेस्टमेंट बनाना स्टार्ट कर दीजिए, और इन शेयर्स को जब अपने आप पोर्टफोलियो में डालेंगे ऐड करेंगे तो आपका पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा बन जाएगा, और आपका ज़्यादातर टाइम आपका पोर्टफोलियो हरे में रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा शेयर है वो है IRCTC। IRCTC की आप शेयर को देखेंगे, इसका मार्केट कैपिटल जो है 66,440 करोड़ है, और इसका इधर जो कर्ज है वो है 108 करोड़, यानी कि ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। और इधर इसके आप प्रमोटर्स की होल्डिंग देखेंगे काफ़ी अच्छी है, 67.4% है। रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे 11.6% है। नेक्स्ट, अगर आप इसको चार्ट पे अपने देखेंगे IRCTC को, आप देख सकते हैं इधर इसको मंथली चार्ट पे इसने कितने का हाई मारा हुआ है, यहाँ पे 1,279.20, और इस समय इसका जो करंट वैल्यू चल रहा है, करंट प्राइस है वो है 836 में, यानी कि ये शेयर आपको काफ़ी सस्ते में मिल रहा है। अगर आप चाहें तो इस शेयर में आप अपना एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं, या फिर प्राइस अगर थोड़ी और नीचे आए तब इस शेयर में आप यहाँ कहीं अपना एक इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं। अगर जो अच्छे शेयर्स होते हैं जब उस शेयर में गिरावट आती जाती है तब आपको अपना थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट उसके अंदर करते जाना चाहिए, क्योंकि कब वो शेयर कहाँ से वो रिटर्न ऊपर की ओर जाए वो आपको नहीं समझ आएगा।
जैसे ये शेयर काफ़ी अच्छा, IRCTC, डीमार्ट, CMS, ये शेयर्स काफ़ी अच्छी शेयर्स है क्योंकि इनके जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो काफ़ी अच्छी है। इसका मार्केट कैपिटल काफ़ी अच्छा है, इनका मार्केट कैपिटल काफ़ी बड़ा भी है। और इसमें अगर आप देखेंगे कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, कंपनी के ऊपर कोई कर्ज नहीं है, इनका रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी अच्छा है। तो अगर किसी शेयर्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ऐसे ही आपको अपने क्वालिटी स्टॉक्स उठाने चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए हम यहीं रुकते हैं। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ना सब्सक्राइब करें। मैं आपसे जल्द मिलूंगी एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। Thank you.